हमारा बाप नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से निजात पाओगे, हमें गोद ले लो। आज हम बात करेंगे कल रिलीज हुई फिल्म गुलाबो सिताबो के बारे में, जो बाहर से देखने पर तो कॉमेडी मूवी लगती है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो आपको नजर आएंगे बॉलीवुड के दो सबसे अच्छे एक्टर अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना। फिल्म लगभग 2 घंटे लंबी है और हाँ, हो सके तो फिल्म परिवार के साथ ही देखना, क्योंकि कहानी में कुछ ऐसा डाला गया है जो हमारे रिश्ते मजबूत करते हैं। अगर बात करें फिल्म की कहानी की तो इस बार कहानी उत्तर प्रदेश की गलियों की है, जहां मिर्जा साहब अपनी पुरानी हवेली के साथ जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे हैं और इस हवेली से मिर्जा साहब को इस कदर प्रेम है कि मौत के बाद भी नहीं छोड़ना चाहते। तब बात आती है कुछ बेईमान किराएदार, जो हवेली में बचपन से जवानी तक रहने के बाद अब हमेशा के लिए हवेली के मालिक बनना चाहते हैं। किराएदारों के सरदार है बांके, जो आटे की चक्की चलाते हैं, लेकिन जब किराए की बात आती है तो हमेशा मिर्जा साहब को अपनी चक्की की तरह घुमा देते हैं। और इस किराया ना देने के कारण जब मिर्जा साहब और बांके में दुश्मनी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो मिर्जा साहब किराएदारों को बाहर फेंकने का फैसला करते हैं। मिर्जा साहब साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपना लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। कहानी में वकील से लेकर नेताजी तक की एंट्री हो जाती है। वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। उसी तरह मिर्जा साहब जो थोड़े से किराए के पैसों के लिए अपनी बेशकीमती हवेली को खतरे में डाल देते हैं, तो आखिर क्या मिर्जा साहब अपनी हवेली बचा पाएंगे? क्या किराएदार इतनी आसानी से हार मान लेंगे, या फिर कुछ और आइडिया लगा के हवेली पर कब्जा करेंगे? और आखिर किसकी होगी जीत इस जंग में? इन सभी बातों के जवाब देने का काम करती है गुलाबो सिताबो, जो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह हम एक दूसरे की कठपुतली बन के घूम रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए पागल हैं। फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार हैं, जिन्होंने मद्रास कैफे जैसी एक थ्रिलर फिल्म भी बनाई है और दूसरी तरफ गुलाबो सिताबो जैसी एक सामान्य कहानी। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी स्लो है, क्योंकि साइड कैरेक्टर पर कुछ ज्यादा टाइम खर्च कर दिया। फिल्म की एक कमी यह भी है कि डायरेक्टर साहब ने आयुष्मान खुराना पर कम ही ध्यान दिया है, क्योंकि असली स्टार तो महानायक अमिताभ सर हैं, जो पूरी कहानी को चला रहे हैं। सपोर्टिंग कास्ट में आपको विजय राज भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है टीवीएफ के मशहूर शो गर्ल्स हॉस्टल की स्टार सृष्टि श्रीवास्तव, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगा दिए। लेकिन इनसे भी ऊपर है फारूक जफर, जिन्होंने बेगम का किरदार निभाया है। गुलाबो सिताबो एक धीमी शुरुआत वाली फिल्म जरूर है, लेकिन फिर भी आपको बांधे रखेगी, इसलिए मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 4 स्टार, क्योंकि सभी की दमदार एक्टिंग और एक नई कहानी देखने को मिली है। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।